यार ये फटे हुए कपड़े नहीं है यार, ये स्टाइल है यार। माना मैं गरीब लगता हूँ, पर यार ऐसा वैसा मत बोलो यार। नमस्ते एवरीवन, इट्स योर नॉर्थ इंडियन अनुरोध बैक विद अनदर वीडियो। क्यों हिला डाला ना, ना मुझे कंसिस्टेंट देख के गले से तो खाना उतर रहा होगा। बिना यूट्यूब टीवी ये सब के भूखे रह जाएंगे लोग। नेटफ्लिक्स एंड चिल में आजकल लोग चिल से ज्यादा ध्यान नेटफ्लिक्स पे दे रहे हैं। एंड नेटफ्लिक्स भी पुराना हो गया भाई, अब स्टैंडर्ड गिर चुका है। अब हम कर रहे हैं जियो सिनेमा एंड चिल। वेलकम गाइस, बिग बॉस क्या गुड मॉर्निंग, क्या बोलते हैं बिग बॉस में? अब दो राइवल्स आ चुके हैं, कटारिया एंड अदनान 0000। आई थिंक लास्ट इसके बारे में हमने 2 साल पहले सुना होगा, जब इसने थगेश से बीफ ले ली थी ऑनलाइन। इसकी कोई टिकटॉक में कंटिन्यूटी एरर निकाल लिया था थगेश ने, तो इसको आ गया गुस्सा। और मैंने भी वीडियो बनाई थी जो मैं खुद आज तक भूल चुका था, आज मुझे याद आया इसको देख के। ये पिछले कुछ सालों से इतना ज्यादा इररिलेवेंट है कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने भी शायद मेरी वो वीडियो नहीं देखी होगी। लोग टिकटॉक के रोस्ट बनाते थे, अभी भी रील्स पे रिएक्ट करते हैं, पर लोगों ने इस पे रोस्ट बनाना बंद कर दिया क्योंकि कोई देखता ही नहीं है। बट एनीवे, अब चीजें बदल चुकी है। अब ये 15 सेकंड की टिकटॉक से निकल के आए हैं 24 आवर शो में, एंड आई एम होपिंग कि ये जाके गेम चेंज करे, क्योंकि बिग बॉस थोड़ा इस बार का मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। कैसे हो अदनान 0007, कटारिया कुछ 00 नहीं। अबे यार आते ही बेइज्जती नहीं यार, थोड़ा घर में तो आने दो यार उसको। लड़की कैसी कर रही है भाई? मैं आ जाए मेरी बाहर निकल रहा। अरे तू वो बता दे, इंडिया वर्ल्ड कप जीती ना? जीती भाई है? जीती जीत गई। बहुत बिल्ला बिल्ला खेला, बिल्ला बिल्ला। तो ये काम तो आपसे बेहतर ये अखबार कर देगा। क्यों ना इसी को घर में रखते हैं। ये ले भाई न्यूज़पेपर, तुझे रिप्लेस कर देगा एट दिस पॉइंट। बिल्ला बिल्ला बोल के भाई फर्स्ट डे पे नॉमिनेट हो गए। बट आई एम श्योर ही इज हैप्पी, बिकॉज़ अंदर से उसको लग रहा होगा कि आई एम फाइनली एट अ शो जहां पे टैलेंट की जरूरत ही नहीं है, और मेरे बाजू में दो बीवी वाला बैठा है, तो मतलब मुझे तो कोई क्या ही जज करे। चंद्रिका जी, अगर आप किचन में खाना बना रही हैं तो हाथ धोकर बनाइए, ये आपके ठेले पर खड़े लोग नहीं है जिनके आप पेट खराब कर दें। No way, no fucking way guys, please बोल दो ये झूठ है, please बोल दो ये AI है। भाई ऐसे कैसे बिग बॉस ने इसके पूरे करियर को डिसरिस्पेक्ट कर दिया सच बोल के। That was rude guys, please do it again. Oh my god. Hey, yo! ये देख के तो भाई मैं उस वड़ा पाव के पाव का टिश्यू भी ना बनाऊं। इंडियन टेलीविजन गाइस, मोस्ट हाइजीनिक वड़ा पाव ऑफ इंडिया। इसलिए 50 रुपए का बेचती है यार, हमारे यहाँ तो 15 का बिकता है। आप अपना नाम कब बनाएंगे? तो मेरा तो नाम है, हमने बना रखा नहीं रखा, मुझे लगता कहीं सर्चिंग में नहीं होता, वोट डालना पड़ता तब आता देखो ना। कभी कभी कटारिया पसंद आ जाता है यार मुझे। यार लेकिन इससे मुझे याद आया कि ये भाई को मालूम नहीं है कि बाहर इसकी पहली बीवी को डिवोर्स चाहिए। बिग बॉस OTT3's Payal Malik says she's going to divorce husband Arman, says he can stay with Kritika and I'll take care of. Oh my god, डिवोर्स क्यों? क्योंकि बिग बॉस से हेट आ रही है, इतने टाइम साथ में व्लॉग्स बनाए तब नहीं ख्याल आया, अभी पति अंदर है तो बाहर न्यूज बना रही है, पता चले अरमान अंदर से तीसरी बीवी ले आए। इनका तो वैसे भी यूट्यूब पे चलता ही रहता है। करी एक और शादी, ये देखो भाई चेहरे देखो थंबनेल में इनके, सरप्राइज खेलते रहते हैं लोग। इससे अच्छा तो लकी जी है भाई। बट आई एग्री दैट ये रियलिटी शो वाली हेट बहुत अलग लेवल की होती है, क्योंकि रियलिटी शो जो शिद्दत से देखते हैं वो शिद्दत से वेल्ले होते हैं। नॉर्मल हेटर्स तुम्हें अगर एक गाली दे के अगले दिन तुम्हारी वीडियो नहीं देखेंगे, रियलिटी शो वाले अगले दिन जोर से आते गाली देने की, भाई मैं आज भी बैठा हूँ, आज भी मैं तुझे पसंद नहीं करता। और बिग बॉस के कमेंट सेक्शन में तो ये चल ही रहा है कि भाई दिस गाय विनर बटन न्यू जोकर 2.0 सारी उम्र वही चलते जा रहा है। पर हम जो ये सब देख रहे हैं असली लूजर हम है। जस्ट किडिंग गाइस, एक्चुअली सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मेरे को ये पूरा देखना पड़ता है, तुम तो सिर्फ मेरी 10 मिनट की वीडियो देखते हो। तो भाई मेरे लूजिंग्स को विनिंग्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगर आपको भी विनिंग्स करनी है तो बस पिंटोला के हाई प्रोटीन ओट्स ले लो। पिंटोला के हाई प्रोटीन ओट्स हेल्दी होते हुए भी बहुत ज्यादा टेस्टी है, ओट्स में डार्क चॉकलेट फ्लेवर, भाई इसका टेस्ट जबरदस्त है। कौन कहता है यार हेल्दी टेस्टी नहीं हो सकता। प्रोटीन के साथ साथ इसमें हाई अमाउंट्स ऑफ फाइबर, सुपर सीड्स एंड रेजिंस, एंड नो व्हाइट शुगर। मैंने तो भाई आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले 10 पैकेट मंगा के रखे। देखो भाई वो सिर्फ नाच रहा है, और यहाँ पे कटारिया विनर बटन, एल्विस तेरा बाप है, बेचारे को अब नाचने भी नहीं देंगे। और ये तो सब बिग बॉस के आने से पहले के पोस्ट है। असली जोकर की बात करें तो गाइस आई हियर हैव साई केतन फॉर यू। इसने अभी फिगर आउट किया है कि भाई एग्रेशन और मारपीट से भाई इसको फुटेज मिल सकती है, और यहाँ पे कोई है नहीं उसके साइज का जो उसको पीट सके या उसको मना कर सके, तो इसको लग रहा है कि हाँ दिस कुड बी माई न्यू गेम। और बिग बॉस की लड़ाई इतनी फेक, ऐसा लगता है कोई एंग्री ऑडिशन दे रहा है, ऑडिशन टेप है उनकी, इतने गुस्से में ऐसा दिखा रहा है कि
हाँ भाई मेरा मानसिक संतुलन अब सही नहीं है, और फिर एकदम प्यार से शर्ट उतार रहा है। शर्ट उतारने का प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ से आया? अबे चुप है। अरे चुप। भाई रणवीर ने बचा लिया उसको भाई। फनीस्ट पार्ट इज ये खुद पहले गाली दिया एंड बाद में जब बड़ी गाली खाया और तो उसको गुस्सा आ गया। इन नो वे मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई जो उसने सामने से माँ के ऊपर गाली दी वो सही है करना, बट देन हु डिसाइड्स द लिमिट। अगर खाना नहीं आता तो दो भी मत। लिटरली आई सी पीपल डिफेंडिंग सेइंग की ब्रो उसने तुझे गाली दी तो तू उसके माँ को गाली या उसके। अरे भाई तुम लोग मम्मी की बीप बीप सुन नहीं सकते पर बहन बीप बीप ये सब तो तुम रेगुलर भाषा में भी बात करते हो, तब निप्पल नहीं दिखाए किसी ने। जशवंत को ले लेते, उसकी भी हिंदी सेम है बट एटलीस्ट बकवास नहीं करता है एंड बिग बॉस के सेट डिजाइन का खर्चा भी बच जाता। ये भाई तो कुर्सियां फेंक रहे हैं बोतल। भाई इसको तो पहले कोई नर्सरी में भेजो यार, 30 साल की उम्र में भाई 8 साल के बच्चों जैसी बातें करती रहती है पूरा टाइम। तू भी पीछे तू भी पीछे हटका मत दे, पीछे हट के बात कर। एलविश भाई बाहर रुके हैं कि यार ये जरा बिग बॉस खत्म हो, इन्हें देखे हम। सिर्फ अदनान से होप्स थे भाई मुझे। तो आपको क्या लगता है कि आप घर में सीधी सटीक बात करोगे? Yes, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो मन में होगा वो सच सच बोलोगे? Yes sir. Are you sure? Thank you. Yes sir. Thank you. क्यों बोलो जो मन में है मैं बोल दूंगा, थैंक यू सॉरी व्हाट्सएप वेलकम सब बोल दिया जो मन में। इतना भी मन से डायरेक्ट नहीं बोलना होता है भाई। थैंक यू तना जी, आपसे कुछ उर्दू के लफ्ज पूछूंगा। गजब नाक, मतलब बेहतरीन, वाओ, बहुत आला होके गलत बोला आपने। ये आला आला करके इतना इसने उर्दू को इतना प्रमोट किया और ऐसे दिखाया शुरू में कि भाई मुझे बहुत आती है। नेजी ने जब से इसको एक्सपोज करना स्टार्ट किया ना, बेहतरीन बेइज्जती हो रही है। सिर्फ आला 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 बोलने से तुमको उर्दू नहीं आ जाती है भाई। अनिल कपूर भी बढ़िया है भाई, ही केयर्स मोर अबाउट हर रॉन्ग उर्दू देन साई केतन जो तोड़ फोड़ कर रहा था, मारपीट कर रहा था। नहीं भाई ये उर्दू गलत कैसे बोल रही है। आई थिंक डेफिनेटली अभी सारे कंटेस्टेंट्स को ओवरऑल देखा जाए तो सबसे क्यूटी इज नेजी ब्रो। तो काम से आप इसे करोगे ना तो फिर सबको बुरा लगेगा। हाँ जब घर के सबके खाने पीने में आगे रहता है ना, थोड़े छोटे मोटे किसी की मदद भी कर दिया घर। हाँ भाई नेम तुझे बुलाया जा रहा है तू उठ के नहीं आया, उससे शर्म की बात कुछ नहीं है भाई। भाई किसी की ना भाई कोई बीफ ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, सामने वाला जो बोल रहा है। Alright guys, that's it for today's video. I hope you had fun. I hope you enjoyed this video. अगला video काफी interesting होने वाला है तो मतलब एकदम stay tuned. And भाई consistency के लिए थोड़ा subscribe कर दो, थोड़ा comments कर दो, थोड़ा share कर दो लोगों के साथ हैं. Consistency मैं बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन इस हफ्ते में 3 videos आ गई. नहीं तो पहले भी मैं ऐसा ही था भाई, कोई बोले आदित्य भाई नई video बनाओ, हाँ बनाता हूँ. Okay bye.